प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 38 क्वेश्चंस तक डील कर लिया, अब हम 39 क्वेश्चंस से अपना ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द टोटल चार्ज ऑफ वन कूलॉम। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द टोटल चार्ज ऑफ वन कूलॉम, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम लें कि टोटल चार्ज हमें मिल जाए वन कूलॉम का। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू n टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। Q इज इक्वल टू एनी वेयर, n इज एनी नंबर, 1, 2, 3 नेचुरल नंबर, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज क्या रखा है हमारे पास, चार्ज है 1 कूलम का, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। हमें नंबर निकालना है, तो हम 1 से 1.6 × 10⁻¹⁹ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। पावर नीचे माइनस में ऊपर भेज देते हैं, तो 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू n। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाई 1.6। 1.6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 और पावर 10⁻¹⁸ इज इक्वल टू n। तो 6.25 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट टू द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स को ले आए तब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनेगा। इससे ये इंडिकेट होता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है वो बड़ा लार्ज क्वांटिटी का चार्ज है। ऐसे देखने में तो लगता है कि 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है, बट ये न्यूमेरिकल आपको इंडिकेट करना चाहता है, ये प्रॉब्लम आपको इंडिकेट करना चाहता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितना बड़ा चार्ज है। हाइड्रोजन एटम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। आप सोचो कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो तो इतने इलेक्ट्रॉन तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट नहीं लेता। किसी भी एलिमेंट पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 118 एलिमेंट है हमारे पास। अगर तो एक एटम, सिंगल एटम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एक्युमुलेट हो सकते हैं, 118 इलेक्ट्रॉन। ये कितना इलेक्ट्रॉन है ये काउंट करना मुश्किल है, 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, वो आपको इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन सो दैट द रिपल्सिव फोर्स इज बैलेंस्ड बाय देयर वेट। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस कर रहा है उनका वेट। तो दो चार्ज के बीच में जब फोर्स लगता है तो हम कूलम्स लॉ लगाते हैं और कूलम्स लॉ को वेट बैलेंस कर रहा है। तो ठीक है, तो लिखते हैं रिपल्सिव फोर्स इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट। रिपल्सिव फोर्स कूलम्स लॉ से क्या लिखें, के क्यू वन क्यू टू, पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज बराबर ही होगा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू वेट। वेट मतलब एम जी, एम इज द मास ऑफ प्रोटॉन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन, हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करके देना है। अगर इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करके देना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एम जी को नीचे लेकर आते हैं और आर स्क्वायर को इधर कर देते हैं, स्मॉल के लिखते हैं, तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0, या इसे ना भी लिखें तो चल जाएगा क्योंकि के की वैल्यू 9 × 10⁹⁹
ये के की वैल्यू हो गई। क्यू स्क्वायर चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, 1.6 × 10⁻¹⁹। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, मास में अंतर है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻²⁷। ये मास ऑफ प्रोटॉन है और जी मतलब जी को हम कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, आर स्क्वायर। इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो नंबर्स को नंबर्स के साथ लिख लेते हैं, पावर को पावर के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9, 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.56। नीचे कितना है, 1.6। अब पावर में क्या है, यहाँ 10⁻⁹ है, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁸। −19 का स्क्वायर −38, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे से क्या जा रहा है, −27, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा −1। ये 10 जो है ऊपर जाके −1 बना देगा और ये पूरी वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर आ रही है। इसको अगर इससे कट कर दें तो ये फिर 1.6 ही आने वाला है। तो हमारा आंसर आ रहा है 9 × 1.6 × 10⁻³⁸ −38 में +9 करेंगे −29 आएगा, −29 में प्लस करेंगे −2 आएगा और ये −3। आप इसे सॉल्व करेंगे जब तो आपको यहाँ पे −3 की वैल्यू मिलेगी। अगर इसे अब आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना आप इस डेसिमल को यहाँ एक्सचेंज करो। 1.6 के डेसिमल को जैसे यहाँ पे एक्सचेंज करोगे ये इक्वेशन बन जाएगा 9 × 16 × 10⁻⁴। आपने डेसिमल यहाँ लेके गया तो यहाँ पे −4 आ जाएगा, ये हो गया आर स्क्वायर। अब आपको आर निकालना है तो बड़ा आसान है, इस पूरे चीज टर्म को आप रूट में रख सकते हैं 9 × 16 × 10⁻⁴। 9 का रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 6 का निकालोगे तो 4 आ जाएगा और ये 10⁻²। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 × 4 = 12 × 10⁻²⁰ मीटर। तो हमारा आर आ गया 12 × 10⁻²। तो ये हमारी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 ये सिमिलर क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन है, पैटर्न अलग अलग है, देखते हैं। इन एन ऑयल ड्रॉप वेट 3.2 × 10⁻³⁷ N बैलेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है, आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका वेट W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁴, इसका जो वेट गिवन है हमें वो गिवन है 3.2 × 10⁻³⁹ N। इफ एन ऑयल ड्रॉप वेट ऑफ दिस बैलेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर इसका वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर लगेगी तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन ये हुआ तो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो इस ऊपर लगने वाला फोर्स जो है नीचे वाले को बैलेंस करेगा। ये फोर्स कितना लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे कितनी रहे हैं, 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। तो आप इस फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत साफ साफ देख पा रहे हो कि इनइक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वेट बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ, वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, इसको बैलेंस कर रहा है। ऊपर लगने वाला फोर्स है एफ, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर, एफ ऊपर और डब्ल्यू नीचे, फोर्स हो गया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट हो गया हमारे पास एम जी। हमें क्या निकालना है, चार्ज हमें निकालना है, चार्ज को छोड़ देते हैं तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा mg/E। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, वी हैव टू फाइंड चार्ज।
Mg की पूरी कंबाइंड वैल्यू आपको गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। आपको इसे सॉल्व करना है, 3.2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.64। किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना होता है तो आप ये जो नंबर लिखा है इसका डबल कर दिया करो, ठीक है। तो 3.2 है तो ये 6.4 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 13 माइनस 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा माइनस 5, तो ये आ गया 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब अगर हम ये एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 तीनों सिमिलर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई डाटा गिवन नहीं है, आपको खुद से समझना होगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन हो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेट mg, अगर इलेक्ट्रॉन पे वेट mg लग रहा है तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि हम किधर इलेक्ट्रिक फील्ड दें। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन पे, अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में कर दें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही लगने लगेगा, तो ये तो इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो गया, वो तो और उसके वेट को बढ़ा देगा। तो हमें क्या करना है, इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ ना बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे नीचे की तरफ, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को, कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड फोर्स इस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करेगा। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए दिए गए थे कि आपको ये बताया जा सके कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और हमेशा नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इनइक्विलिब्रियम, एफ इज बैलेंस बाय द वेट, एफ इज द क्यू ई, वेट इज एम जी। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछा है तो आप लिखोगे एम जी अपॉन क्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ कर लेंगे, 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6, पावर वाली वैल्यू को एक साथ, माइनस 31 प्लस 1 माइनस 31, ये 10 इसको प्लस कर देगा और ये प्लस 19, 9.1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 में प्लस 1 करेंगे तो ये माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 30 में अगर हम 19 ऐड करेंगे तो ये हमको माइनस 11 दे देगा। हमें इसको डिवाइड करना है, 16 6 जो होता है वो 96 आता है, मतलब वो आता है 9.6 के आसपास, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो थोड़ी सी उससे कम है। इसको अगर हम इन दोनों को हमको डिवाइड करना है, हम 91 को 16 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली 5.5 5.6 के अराउंड आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख लो 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट में आप क्या लिखोगे, या तो यूनिट में आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम, या आप लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके हमको
वन कोलम का चार्ज देंगे, तो इससे हम ये पता चलता है कि वन कोलम ऑफ चार्ज इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और बाकी 40, 41, 42 ये वेट बैलेंसिंग के क्वेश्चन थे। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है और क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझना है।